Now, students, today we are going to study a very interesting concept about share for feature. Now, let's understand the basic of it first. Okay, and for that, I'll give you an example to understand this concept of share for feature. Now, the concept goes this way. Just a moment. Okay, now the concept goes this way. Okay, this is just a hypothetical example. Okay, now let's say, for example, you took a vehicle of rupees 50,000. You purchased a vehicle of rupees 50,000. ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, यानी इमेजिनरी है, मेरे दिमाग की उपज है. ओके, तो इसमें बहुत लॉजिक मत ढूंढने जाना. ओके, कंसेप्ट पे फोकस करना. नाउ 50,000 का व्हीकल है. ओके, मैंने उसमें 10,000 डाउन पेमेंट कर दिया और 40,000 रुपीज का लोन लिया. आई टुक अ लोन और रुपीज 40,000. नाउ दिस लोन आई टुक फॉर 5 इयर्स. ओके, एंड ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर महीने अलोंग विथ इंटरेस्ट आई यूज टू पे. नाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव पेड से 28,000. ओके, 28,000 पेड. Now, how much is remaining? Amount remaining is now 12,000. And then in the month of March, lockdown had hit us very badly. और फिर मैंने ये 12,000 के जितने भी मेरे इंस्टॉलमेंट बाकी थे, 4 रुपीज टोटल ऑफ 12,000, आई स्टॉप्ड पेइंग माई ईएमआई. मैंने ईएमआई भरना बंद कर दिया क्योंकि अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं ये ईएमआई भरूं. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो फाइनेंस कराया मैंने डीलर के पास से, से फॉर एग्जांपल दिस वाज अ डीलर, एक डीलर के पास से मैंने फाइनेंस कराया, तो डीलर ने मुझे रिमाइंड कराया, कॉल किया, कॉल किया, कॉल किया कि पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो. मार्च का आ गया अक्टूबर, बट आई वॉज अनएबल टू पे. तो वॉट विल द डीलर डू? डीलर, दिस डीलर फ्रॉम हुम आई हैव परचेज अ व्हीकल, ओके, विल कम टू माई हाउस एंड टेक माई व्हीकल. यू अग्री विथ मी? यू अग्री विथ मी? लोन में ऐसा ही होता है कि लोन भरो भरो भरो, जब भरना बंद किया तो रिमाइंडर रिमाइंडर रिमाइंडर. फिर वन फाइन डे वो डीलर अपना लॉस थोड़ी ना करेगा. तो फेयर इनफ, ही केम एंड ही टुक माई व्हीकल. तो उसने मेरा व्हीकल ले लिया, उसने मेरा व्हीकल फोरफिट कर दिया. फोरफिट किया यानी जब्त कर लिया. अंडरस्टूड व्हाट इज फोरफिट? फोरफिट यानी व्हीकल को जब्त कर लिया. नाउ ये जो मेरा व्हीकल जब्त हो गया, तो व्हीकल तो गया, अब मैं डीलर को क्या ऐसा बोल सकता हूं कि भाई अब तूने व्हीकल तो वापस ले लिया है, तो मैंने अभी तक जितने भी पैसे भरे हैं, जैसे ये 10,000 भर दिया है, ये 28,000 भर दिया है, ये 38,000 मुझे वापस कर दो. कैन आई टेल दिस टू द डीलर? या ऑफ कोर्स आई कैन टेल. ओके, मुझे कौन रोकेगा? बोलने में तो क्या है यार, बोलने में कोई हर्ज नहीं है. आई कैन टेल, ओके, कि मुझे मेरे पैसे दे. तो लॉजिक है, जब व्हीकल लिया तो पैसा दिया, अब तूने व्हीकल वापस ले लिया तो मेरे पैसे वापस कर. तो क्या ये डीलर तुम्हें वो पैसे वापस देगा? वापस देगा? ऑब्वियसली नॉट. ओके, कैसे सवाल पूछ रहा हूं मैं. तो अब तुम, ये जो डीलर है,
उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ओके, कि मान लो तुम ही वो डीलर हो और मैं वो तुम्हारा बेचारा मासूम सा कस्टमर हूँ जो पेंडेमिक में जिसकी बहुत खराब हालत हो गई और नहीं भर पाया EMI। अब तुमने मेरे से व्हीकल ले लिया तो कहने ही से अब तुम्हें दो फायदे हो रहे हैं। कौन से दो फायदे? एक तो तुम्हें व्हीकल मिल गया, एक तो व्हीकल तुम्हारे गैराज में आ गया, उसके साथ साथ तुम्हें ₹38,000 भी मिल गया। डबल बेनिफिट, अग्री और नॉट? अग्री और नॉट? तो यहां पे अगर हम ऐसा मानते हैं कि व्हीकल फॉरफिट हुआ, तो ध्यान देना मेरे बच्चों कि सिर्फ व्हीकल नहीं फॉरफिट हुआ, ये जो अमाउंट था जो अभी तक डीलर को मिल गया, डीलर ने ये 38,000 भी फॉरफिट कर दिया। यानी फॉरफिट हो गया ये अमाउंट भी और फॉरफिट हो गया ये व्हीकल भी। एनी डाउट? तो डीलर को मजा आ गया। क्या ये डीलर का बिजनेस है कि लोगों को व्हीकल दो फिर वो पैसा नहीं दे, ऐसी ही दुआ करो और फिर पैसा भी ले लो व्हीकल भी ले लो? क्या ये डीलर का नियत ऐसा होता है जब वो हमें लोन देता है? उसका नियत यही होता है कि कस्टमर व्हीकल यूज करे और मुझे मेरा पैसा विद इंटरेस्ट मिल जाए। पर ये अनफोर्सीन सिचुएशन था, डिफॉल्ट हो गया, आइदर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल और सिचुएशनल। तो डीलर ने क्या किया, पैसा तो उसको जो मिला था वो रख लिया पर व्हीकल भी रख लिया। अब क्या करेगा डीलर? क्या ये व्हीकल खुद घुमाएगा? तो चलो एक व्हीकल होता तो बात ठीक है, ऐसे तो वो हर महीने 500 व्हीकल बेचता है, उसमें से हर महीने 50-60 व्हीकल जब्त करता है, तो क्या वो ये व्हीकल लेके घूमेगा कि देखो देखो व्हीकल भी मिला, 38 भी मिला, क्या धंधा है मेरा, मजा आ गया? क्या ऐसे करके घूमेगा डीलर? क्या तुम वो डीलर हो, तुम ऐसे घूमोगे? कि अब तुम क्या करोगे, तुम अब ढूंढोगे कि ये व्हीकल को मैं कहीं बेच दूं और ये जो मेरा पैसा बाकी था मैं उसको रिकवर कर लूं। अग्री? अग्री विथ मी? तो अब डीलर क्या करने निकलेगा? अब डीलर निकलेगा ये व्हीकल बेचने, क्योंकि उसका काम है व्हीकल बेचना और उसका पैसा रिकवर करना है उसको। तो व्हीकल बेचने जाएगा, ये व्हीकल बेच देगा और अपना पैसा रिकवर कहीं से भी कर लेगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स टू माय माइंड, डीलर का कितना पैसा बाकी है? तो डीलर का ये 12,000 रुपीज बाकी है जो उसको मिलना चाहिए। तो कहना ही से कि डीलर ये व्हीकल को 12,000 से कम में तो बेचेगा ही नहीं। यू अग्री विथ मी कि ये जो डीलर है उसको 12,000 और चाहिए, तो मिनिमम वो 12,000 रिकवर करना चाहेगा फॉर दिस 50,000 व्हीकल। ऑल ऑफ यू अग्री? या प्लीज ध्यान देना कैनाई से कि ये जो डीलर है वो 50,000 का व्हीकल जब रीसेल करने जाता है तो मैक्सिमम डिस्काउंट वो कितना देगा रीसेल पे? मैक्सिमम डिस्काउंट वो कितना देगा रीसेल पे? कैन यू टेल मी? हु वांट्स टू गिव अ रिप्लाई? सो ओवर योर मैक्सिमम डिस्काउंट द डीलर कैन गिव इज ऑफ रुपीज 38,000। सो I would say that minimum price at which the dealer can sell the vehicle
is rupees 12,000. You agree with me? Now, yahi concept we apply in shares. Okay, now meanwhile, tum ye example likh lo so that tumhe ye yaad rahe ki ye example diya tha and how we now we, and then we will connect it with the share our topic share. Ki what do we do when people don't pay the call money? Okay, just write this example so that you can refer it for conceptual understanding again. यहाँ पे ये जो डीलर है वो ये व्हीकल 12,000 से कम में नहीं बेच सकता, पर 12,000 से ज्यादा में बेच सकता है. He can sell it at 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, even if the prices have increased 55,000 also. But minimum he should sell it for 12,000 because उसको 12,000 मिलना इस व्हीकल पे बाकी है. तो मैक्सिमम 38,000 का डिस्काउंट दे सकता है. 38, 37, 30, 20, 12, 10, 1, 0 डिस्काउंट भी वो दे सकता है कि 50,000 का व्हीकल 50,000 में ही बेचा. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ शेयर्स. नाउ फॉर शेयर्स, ओके, we will start with various conditions. So I'll start with the first one. The first one is we are going to deal with forfeiture and reissue for first condition where shares are issued at par. Issued at par yane kya ki face value jo hai 10 rupees, to 10 rupees pe hi humne issue kiya hai. I will take an example so that you understand the concept and the entries. Let's say on allotment we called for rupees 5. Oh, sorry. Let's say on application we called for rupees 5. On allotment we called for rupees 3. And final call we called for rupees 2. You can write the sum. Now over here we did not get money for over here we did not get money for final call. This is what we did not get. Say for example, for 1,000 shares, okay, just for the sake of example, let's say the name of the person is Mr. Ajay. Now, over here, please try to understand the concept. On application, we took 5 rupees from Ajay. Now we are going to pass entries in the books of the company. Okay, so we have to think from the point of view of the company. Now, over here, this Mr. Ajay, he gave us rupees 5 for application. He gave us rupees 3 for allotment, but he did not give final call rupees 2. So now what do we do as a company? What we have done is whenever we received application, we transferred it to capital. Allotment, we transferred it to capital. Final call, remember, are you able to remember the entry when we call the final call? Equity share, final call, account debit to equity share, capital. But the entry yaad hai sabko, equity share, final call, account debit
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ही डिड नॉट पे द फाइनल कॉल मनी, ही डिड नॉट पे द फाइनल कॉल मनी। तो अब हम क्या करेंगे, हम तो फंस गए, हमने हमारा कैपिटल बढ़ा दिया 10 रुपए से, पर उसमें से ये 2 रुपए फाइनल कॉल के अजय ने मुझे दिया ही नहीं, तो कैन आई हैव कैपिटल इन द बिजनेस विच इज नॉट कन्वर्टेड इन टू कैश, और नाउ देर इज नो पॉसिबिलिटी के इट कैन बी एनी टाइम इन फ्यूचर बी कन्वर्टेड इन टू कैश, क्योंकि मैंने उसको रिमाइंडर दिया, रिमाइंड कराया, पर उसने पैसा दिया नहीं। तो अब एज अ कंपनी मैं क्या करूंगा, मैं इस शेयर को फॉरफिट कर दूंगा। यू अंडरस्टूड फॉरफिट करना यानी क्या, मैं इस शेयर को फॉरफिट कर दूंगा, यानी इस शेयर को मैं मेरे शेयर होल्डर से वापस ले लूंगा। अब मैं कैसे वापस लूंगा, क्या मैं उसके घर जाऊंगा, जैसे व्हीकल का चाबी लिया, व्हीकल लेके मैं आ गया, क्या मैं उसके घर जाऊंगा और शेयर मांगूंगा, मैं क्या करूंगा, आई एम द कंपनी, आई हैव अ लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, तो मैं उसको मेरे लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर से निकाल दूंगा। इज दिस क्लियर, मैं उसका नाम हटा दूंगा, अब वो मेरा शेयर होल्डर रहा नहीं, और उसके पास जो मेरा शेयर है अब वो वैलिड शेयर रहेगा नहीं, न वो उसको बेच पाएगा, न वो उसको कहीं गिरवी या मॉर्गेज कर पाएगा। अंडरस्टूड दिस, तो मैंने वर्चुअली उससे पूरे शेयर जब्त कर लिए, फॉरफिट कर लिए। यू अंडरस्टूड व्हाट इज फॉरफिट, नाउ व्हेनेवर आई एम फॉरफिटिंग द शेयर्स, इट मींस बेसिकली आई एम कैंसलिंग माय शेयर्स, बिकॉज अब वो मेरा शेयर होल्डर रहा नहीं, मैंने वो शेयर उससे वापस ले लिए, सर्टिफिकेट पे उसका नाम था, सब कैंसिल कर दिया, वो शेयर अब मेरे वापस आ गए मेरे कंपनी में। तो अब सबसे पहला एंट्री आई विल पास इज एंट्री फॉर फॉरफीचर। सो फर्स्ट एंट्री इज एंट्री फॉर फॉरफीचर, कि जब हम शेयर्स फॉरफीट करते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, इट इज जस्ट लाइक कैंसलिंग द शेयर्स, मेरे जो शेयर्स है वो शेयर्स को मैंने कैंसल कर दिए। तो अब एंट्री कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, जब हमने शेयर्स इश्यू किए थे हमने एंट्री पास किया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इजंट इट, कैपिटल रेज किया तो हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल, ओनर इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया एप्लीकेशन के टाइम पे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट के टाइम पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल के ना टाइम पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मैंने जितना भी कैपिटल उस शेयर पे क्रिएट किया था उसको अब मैं कर दूंगा रिवर्स। तो सबसे पहले मेरा इफेक्ट आएगा इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट, डेबिट। नाउ डेबिट कर रहा हूं कैपिटल को, क्योंकि कैपिटल जिसको मैंने रेज किया था मैं अब उसको राइट ऑफ कर रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन से अमाउंट से, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड दैट इज 1000, इनटू अभी तक कितने से क्रेडिट किया, रुपीज 10 से, 10, सो इट कम्स टू 10,000। अंडरस्टूड दिस, एनी डाउट इन द फर्स्ट इफेक्ट, तुम्हें अगर कोई भी इफेक्ट में डाउट हुआ तो मुझे तभी पूछ लेना, सो दैट कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब हमने क्या किया, कैपिटल यानी हमारा कैपिटल कैंसिल करके शेयर तो हमारे पास आ गया, पर अब हमारे पास ये 5 और 3 रुपीज भी है, क्या ये रुपीज हम शेयर होल्डर को वापस करेंगे कि भाई शेयर वापस दे दे, पैसे वापस ले जा, जूते दे दो पैसे ले लो, कि जूते मारूंगा उसको कि साले पैसे नहीं दिए तूने मेरे, अब तेरे शेयर भी गए और पैसे भी गए बॉस,
समझ में आया? तो अब ये 8 रुपीज क्या मैं उस शेयर होल्डर को वापस करूंगा एज अ कंपनी? अब ये 8 रुपीज मेरे पास है, शेयर भी मेरे पास है, तो अब ये 8 रुपीज को मैं मेरा प्रॉफिट गिनूंगा और उसको ट्रांसफर करूंगा एक अकाउंट में नोन एज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट वो है कि जितना भी पैसा हमने फॉरफिट किया उसको हम एक नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट अब वो शेयर ही नहीं रहा, तो ये पैसे को कहीं पे तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सो 1000 शेयर्स इनटू रुपीज एट पता चल गया सबको? रुपीज एट पता चल गया, तो ये आ गया 8000। अब ध्यान दो मेरे बच्चों, फाइनल कॉल, 8 तो मिल गए और 2 मुझे मिले 9। तो अगर मैंने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट पहले यूज किया था तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, अगर कॉल्स इन एरियर्स यूज नहीं किया तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का डेबिट बैलेंस रहेगा। यू अग्री विथ मी? क्योंकि तुमने इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट तो किया 1000 से, पर बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल तो हुआ ही नहीं, तो तुम्हारा डेबिट बैलेंस 2000 रह गया। अब वो फाइनल कॉल तो आने वाला है ही नहीं, शेयर भी तुम्हारे पास वापस आ गया है, तो जो डेबिट था रिसीवेबल था उसको हम रिवर्स कर देंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट इज 1000 शेयर इनटू 2, सो 2000 मैच हो गया, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। एंट्री पता चल गया सबको? ओके, नाउ ये हो गया फॉरफिट। अब फॉरफिट तो कर दिया हमने, पर फॉरफिट करके क्या करेंगे? क्या हम ये शेयर को हमारे पास रख के खुश रहेंगे कि देखो मैंने इसका शेयर जब्त कर लिया, देखो मेरा क्या दम है, क्या बैकिंग है, और पैसे भी ले लिए, कितना शाना हूं मैं? क्या ये करूंगा मैं कि ये शेयर में मार्केट में वापस दे दूंगा कि कोई बायर मिले? हम चाहते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स किसके पास रहने चाहिए? पब्लिक के पास। अंडरस्टूड दिस? तो अब मैं ये फॉरफिटेड शेयर्स को करूंगा री। सो यहां पे सेकेंड एंट्री विल बी एंट्री फॉर री इश्यू। Now reissue हम करेंगे at some amount, so let me write bank account debit. Let's say for example मैंने reissue किया at ₹5, यानी ये शेयर वापस बेचा और मुझे ₹5 मिला, so 1000 into 5 which is 5000. Any doubt? अच्छा, ये शेयर वापस इश्यू किया, जस्ट अ मिनट, डोंट राइट द एंट्री, वेट अ व्हाइल। ये शेयर वापस किया इश्यू पब्लिक को, सो फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से? 1000 शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ₹10, सो 10000, यानी शेयर कैपिटल फिर से 10000 से रेज किया, 5000 मुझे मिल गए, तो कैन आई से 5000 का नुकसान हुआ मुझे? कैन आई से 5000 का लॉस हुआ, क्योंकि मैंने तो ₹10 का शेयर था, वो ₹5 में दिया, पर ये जो नुकसान है वो पहले मेरे पास प्रॉफिट में आया हुआ है। यहाँ पे तुमने देखा 8 रुपीज का प्रॉफिट था, 8000 का प्रॉफिट था। यू अंडरस्टूड दिस? ₹8000 का तो फायदा हो चुका था मुझे, तो उसमें से किसी को ₹5000 डिस्काउंट देने में क्या प्रॉब्लम है? यू अग्री विथ मी?
तो यहां पे मैं डेबिट करूंगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट, अमाउंट विल बी नाउ 1000 इंटू 5, 5000, गॉट इट। जहां पे फायदा हुआ है वहां से ही मैं डिस्काउंट दूंगा ना। अब ये सब करने के बाद तुम ये रियलाइज करोगे कि शेयर फॉर फीचर अकाउंट में 8000 का क्रेडिट बैलेंस था, अब 5000 का डेबिट बैलेंस है। इट मींस अभी भी कुछ पैसे रह गए हमारे प्रॉफिट के अकाउंट में। यू अग्री? 8000 मैंने जब्त कर लिए, 5000 का मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो कहने से 3000 अभी भी मेरे पास है। तो ये 3000 अब मेरा फाइनल प्रॉफिट है जिसको मैं ट्रांसफर करूंगा टू कैपिटल रिजर्व। तो राइट द थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री इज वी ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व। सो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 3000 टू कैपिटल रिजर्व। नाउ व्हाई कैपिटल रिजर्व? बिकॉज दिस इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ इवेंट। ये मेरा रेवेन्यू इनकम नहीं है, कि ये मेरा बिजनेस नहीं है कि शेयर को पहले दो पब्लिक को, फिर वो जानबूझ के पैसा नहीं भरे ऐसा कोशिश करो, फिर जब्त करो, फिर उसको बेचो और पैसे कमाओ। क्या ये मेरा बिजनेस है? ये वन ऑफ अ काइंड इवेंट है। सो इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट एंड हेंस इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नाउ थर्ड एंट्री करने के बाद तुम्हारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाना चाहिए। क्या जीरो हो रहा है? चेक कर लो। क्रेडिट किया 8000, डेबिट किया 5000, डेबिट किया 3000। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द एंट्री? तो फर्स्ट कंडीशन पता चला सबको, शेयर्स इश्यूड एट पार। एनी डाउट इन दिस? सो वी गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम अमाउंट एंड प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव। शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड, यानी कंपनी को ये प्रीमियम मिल गया। नाउ लेट मी राइट द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से एप्लीकेशन के टाइम पे रुपीज 5, अलॉटमेंट के टाइम पे रुपीज 3, प्लस प्रीमियम रुपीज 4 एंड फाइनल कॉल के टाइम पे रुपीज 2। सो टोटल इज 10, प्रीमियम इज प्लस 4, सो टोटल कम्स टू 5, 7, 2, 14। नाउ ओवर हियर द शेयर होल्डर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल मनी। नाउ हियर आई विल नॉट टेक नंबर ऑफ शेयर, वी विल गो अमाउंट पर शेयर। ओके, सो दैट वेर एवर नंबर्स आर गिवन यू मल्टीप्लाई इट विद दैट नंबर। गॉट इट? नाउ ओवर हियर यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन ऐसा है कि यहां पे 5 रुपीज हमें मिल गया एप्लीकेशन का, इसके साथ साथ हमें 3 रुपीज अलॉटमेंट का मिल गया और प्रीमियम भी मिल गया। सो शेयर्स आर इश्यूड एट अ प्रीमियम
and premium amount is received. You agree, all of you? Question समझ में आया? Okay, आगे बढ़ते हैं now. Now, in this question, when we forfeit the share because of non-receipt of final call, so the first effect will be for cancellation of shares, that is equity share, capital account debit. Amount is 10 rupees, because we have made all the three calls. So at every stage, humne 5 rupees se capital raise kiya, phir 3 rupees se capital raise kiya, aur 2 rupees se capital raise kiya. Understood this? So this first effect remains the same. Now, when we pass this entry of allotment, our entry was like this. Equity share, allotment account debit to equity share, capital account, and to security premium account. So allotment was 7, capital was with the face value 3, and premium was rupees 4. So originally we had passed this entry, and over here we also received all these amounts. You agree with me? Hame ye 7 rupees mil gaya. All of you agree? To yahan pe ye jo premium humne rupees 4 liya hai, can I say wo already cash mein realize ho gaya? So cash aa gaya, yani bank mein paisa aa gaya, और प्रीमियम क्रेडिट हो गया, हमारा इनकम हो गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है हमें? इज देयर अ प्रॉब्लम? यू हैव शोन अ इनकम व्हिच यू हैव रिसीव्ड इन कैश, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. तो हमें क्या करना है यहाँ पे? सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ भी करना नहीं है. समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? उवेश, समझ में आया? ओके, नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सो डायरेक्टली टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. नाउ प्लीज पे अटेंशन ओवर योर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. नाउ ओवर योर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हमने फॉरफिट क्या किया? अब ये जो 4 रुपीज है, प्लीज ध्यान दो, ध्यान दो. अब ये टोटल कितना मिल गया? 5 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया. तो 5 एंड 7 12 रुपीज वी रिसीव. उसमें से ये 4 रुपीज तो ऑलरेडी हमारे इनकम अकाउंट में चला गया, जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट. यू अग्री विथ मी? तो कितना हमारे पास पैसा है जो कहीं पे भी नहीं गया है, जो हमने कैंसिल कर दिया है शेयर, तो उसका एप्लीकेशन का 5 और अलॉटमेंट का 3, तो यहां पे 8 रुपीज. तो यर आई राइट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स फेस वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स फेस वैल्यू. प्रीमियम का हमें कुछ भी यहां पे करना नहीं है. क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम को हमने क्रेडिट कर दिया और बैंक को डेबिट कर दिया है. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके. टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. रुपीज 2, 8 एंड 2 10 एंड 10 डेबिट इज इक्वल टू. Wherever number of shares are there, you multiply this. I have done calculation per share. Okay, this is amount per share. Second, now what we are doing, we are reissuing this shares. So let's say reissue at rupees 7.
So bank account debit 7 rupees. We are reissuing, यानी हम वापस दे रहे shareholder, कोई नया shareholder बना तो फिर से capital raise किया, equity share, capital account credit 10 rupees, and difference 3 rupees का कहां से मैं दूंगा, discount कहां से दूंगा, जो मिला है 8 rupees उसमें से ही दूंगा, तो ये जो credit किया अब हम उसको कर देंगे debit, so share for future account rupees 3. Got it? And then last entry we always have to pass is जब 4 feature में 8 rupees था तो 3 हमने दे दिया, तो अब हमारे पास कितना रह गया, हमारे पास रह गया rupees 5 profit account में, जिसको हम transfer करेंगे to capital reserve. So share 4 feature account debit rupees 5 to capital reserve. Now third condition थोड़ा tricky है, so please थोड़ा ध्यान देना. Now third condition is shares issued at premium and premium not received. Shares issued at premium and premium not received. So let's take the example. Application rupees 5, allotment rupees 3, and final call rupees 2. इसमें एक और नया कंसेप्ट भी सीखना है हमें. प्रीमियम रुपीज 4, सो टोटल कम्स टू 5, 7, 2, 14 प्लस 4 एंड 10. फेस वैल्यू प्रीमियम टोटल. Now over here, let's say a shareholder did not pay the allotment money and final call money on, let's take 1000 shares. Now, write the question first, let's understand the question and then we proceed. Now over here on the screen, over here, as you can see that application the shareholder has paid. So we have received the application money, but we did not receive the allotment money. At the same time, since allotment money was not received, can I say premium also we did not receive? तो उसको ऐसे सर्कल करके ऐसा क्रॉस करो जैसे मैंने किया. ये सब सिंबल्स तुम्हें भी वर्किंग में यूज करना है सो दैट यू डोंट मेक अ मिस्टेक. नाउ फर्स्ट एंट्री ओवर योर इज गोइंग टू बी equity share, capital account debit,
equity share capital account debit. Now, 1,000 shares, okay, let me change the color. Into 10. So 10,000. Dhyan do please. Very important. Now, over here, when we pass the allotment entry, the entry was equity share allotment account debit, equity share capital account credit and to security premium account credit. Dhyan do please. Ab ye jo security premium 4 rupees hai, usko humne credit to kar diya, income to dikha diya, par kya ye paisa hume mil raha hai yahan pe? Kya ye paisa hume mil raha hai 4 rupees? Nahi mil raha hai. To can we show a income in our books which we know we are not going to receive it in cash? अभी भी नहीं मिल रहा है और आगे भी मिलने वाला नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने वो शेयर ही फोरफीट कर दिया है. समझ में आया? तो अब ये जो अकाउंट था जिसको हमने क्रेडिट किया था, अब हमें इसको करना पड़ेगा डेबिट. इज दिस क्लियर? हेलो हेलो, इज दिस क्लियर? ओके, तो यहां पे अब मैं डेबिट करूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. वन थाउजेंड शेयर्स इंटू रुपीज फोर, सो 4,000. नाउ नॉर्मल टू शेयर फोर फीचर अकाउंट. नाउ ध्यान दो यहां पे शेयर फोर फीचर में, शेयर फोर फीचर अकाउंट में वी रिसीव्ड हाउ मच फॉर 1,000 शेयर्स? वी रिसीव्ड रुपीज 5, सो यहां पे इनटू 5, सो 5,000. एंड टू, अब ध्यान दो अलॉटमेंट नहीं मिला है तो हम यहां पे अलॉटमेंट का एंट्री लिखेंगे, रिवर्स करेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. कितना पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट का? 1,000 शेयर्स इनटू 7 पर शेयर, सो दैट इज 7,000 आई डिड नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट. And two, equity share final call. One thousand shares into rupees 2, so 2,000. Check kar lo, debit is equal to credit hua ki nahi? 10 and 4, 14. 5 and 7, 12 and 2, 14. All of you understood this? So whenever premium is not received, you have to debit security premium account. Aisa gokhna nahi. Aisa gokhna nahi. Samajh ke karna. Kyun debit kar rahe hai? Kyunki pehle humne isko jab credit kiya security premium ko, to ye paisa hume cash mein mila nahi. और शेयर भी फॉरफिट हो गए तो अब मिलने वाला भी नहीं है. तो मेरा प्रीमियम अकाउंट जो क्रेडिट था इसको मैंने रिवर्स किया, इसके लिए मैंने इसको किया डेबिट. गॉट इट? एक भी एंट्री गोखना नहीं. गॉट इट? फिर से एक बार जब तुम रिवाइज करो तो समझ के करना कि क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया, क्या अमाउंट लिया. ओके, दो तीन बार रिवाइज करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा. नाउ सेकेंड वन, रीइश्यू. नाउ लेट्स रीइश्यू दिस एट अ प्रीमियम.
Okay, so let me say reissue at rupees 12. मजा आ गया, प्रीमियम पे बिकता था शेयर तो हम रीइश्यू भी प्रीमियम पे करेंगे। तो अब क्या एंट्री बनेगा? एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स इंटू रुपीज 12, इट कम्स टू 12,000। अब इसमें कोई डिस्काउंट है ही नहीं, तो शेयर फॉर फ्यूचर में से कोई भी पैसा हम लेंगे नहीं, इसको हम डेबिट करेंगे नहीं। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल कैपिटल ऑलवेज विद द फेस वैल्यू, सो 1000 शेयर्स इंटू रुपीज 10, 10,000 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। थाउजेंड शेयर इंटू रुपीज 2,000। कैन आई से अब जितना भी मेरा फोर फीचर का बैलेंस है सारा मेरा प्रॉफिट हो गया। तो यहां पे पूरा हम ट्रांसफर कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व। सो लेट्स ट्रांसफर इट, द थर्ड एंट्री फोर फीचर अकाउंट डेबिट 4 feature account debit to capital reserve account. Please write the sum. Go through it once again, see if you have any doubt. Okay, now see homework mein I have given you sums from previous chapter and I want now you to watch this video and my recorded video for this concept of forfeiture and reissue again and again. Okay, it's an important concept. Forfeit kiya or reissue kiya. There are two main conditions. That is, one is shares issued at par or at premium and premium is received. So first two case mein, you can see the entries are same. Ye gokhna nahi hai. Samajh ke karna. And in the third one, jahan premium nahi mila hai, wahan hum premium account ko debit kar denge. तो ये दो कैटेगरी ऑफ एंट्रीज है। ओके, तीन टाइप है बट फर्स्ट टू टाइप में तो एंट्रीज रिमेन द सेम बिकॉज प्रीमियम को क्रेडिट किया और प्रीमियम हमें मिल गया तो प्रीमियम का फोर फीचर पे इफेक्ट आएगा नहीं। ठीक है,